टेंथ क्लास। आज की हमारी क्लास में अपने चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक, जिसमें हमने पिछली क्लास में जैव शक्ति सिद्धांत और कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन के गुण के बारे में पढ़ा। संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बनने के संबंध में उनकी जो तीन कैटेगरीज हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उनके सूत्रों के बारे में भी जाना। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण से। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? देखिए, कार्बनिक यौगिकों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक, वे किस प्रकार श्रृंखला बनाते हैं और दूसरा, उनमें क्रियात्मक समूह का आधार क्या है। तो पहला, जो श्रृंखला निर्मित करने के आधार पर, श्रृंखला निर्मित करने के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो जो हमारा पहला टाइप है, श्रृंखला निर्मित करने के आधार, पहले हम अपने इस प्रथम टाइप के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को वर्गीकृत करते हैं। तो दो प्रकार के यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। एक, विवृत श्रृंखला अथवा एलिफैटिक यौगिक, और दूसरे मिलते हैं संवृत श्रृंखला या एरोमेटिक यौगिक। तो सबसे पहले बारी आती है विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिकों की, और दूसरी बारी आती है संवृत श्रृंखला या एरोमेटिक यौगिकों की। तो ये वर्गीकरण की प्रक्रिया में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब जो विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक हैं, उनका तात्पर्य यह है कि सारे ही कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में कार्बन के परमाणु खुली श्रृंखला के रूप में जुड़े हों, वो विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। एलिफैटिक शब्द एक ग्रीक शब्द से बना है जिसे एलिफर कहते हैं, और इसका मतलब होता है बसा या चल। तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में ऐसा मानते थे कि विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक पादप या जंतु उत्पादों से प्राप्त होते हैं। इस कैटेगरी में एल्केन, एल्कीन या एल्काइन के संबंध में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रखा गया है। यह माना गया कि एक कार्बन जो खुली श्रृंखला में व्यवस्थित है, यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है ये एथेन का है, और एथेन में दो कार्बन खुली श्रृंखला में व्यवस्थित है। लेकिन यदि हम एथिलीन की संरचना लें तो हम देखेंगे कि दो कार्बन खुली श्रृंखला में हैं, भले ही उनके बीच में एक डबल बॉन्ड ही क्यों ना हो। तो खुली श्रृंखला का मतलब है ओपन चेन, मतलब जिसमें कार्बन परमाणु एक सीधी और खुली श्रृंखला में व्यवस्थित होंगे। यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो हो सकता है,
लेकिन कभी भी कार्बन के साथ कार्बन का संयोजन देखने में नहीं आता। एलिफैटिक यौगिक दोनों प्रकार के हैं, जैसे ये एक सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, ये एक डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये एल्केन है और ये एल्कीन। एल्केन संतृप्त होते हैं और एल्कीन असंतृप्त प्रकार के एलिफैटिक यौगिक हैं। समृद्ध श्रृंखला या एरोमेटिक यौगिक में इनको हम चक्रीय यौगिक भी कह सकते हैं, और इस कैटेगरी के यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध मौजूद होती है। हालांकि ये एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक दो प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उन यौगिकों में किसी न किसी प्रकार की गंध की उपस्थिति रहेगी। तो समृद्ध श्रृंखला या एरोमेटिक यौगिक, समृद्ध श्रृंखला के यौगिकों को हम उसके दूसरे नाम चक्रीय यौगिक के नाम से भी जान सकते हैं। चक्रीय यौगिक का तात्पर्य क्या हो गया? चक्रीय यौगिक वे यौगिक हुए जो अपनी संरचना में एक चक्रीय संरचना बनाते हैं। अब चूंकि इसमें वितरण दो प्रकार का किया गया, एक किया गया एरोमेटिक यानी जो कोई गंध प्रदर्शित करें, दूसरे एलिसाइक्लिक, इनमें भी गंध हो सकती है पर इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड से भिन्न रखा जाता है। अब जो एरोमेटिक हैं उनका जो विभाजन है वो दो प्रकार का है, एक समचक्रीय यानी जिनकी संरचना समचक्रीय प्रकार की हो, और एक विषमचक्रीय। तो समचक्रीय व्यवस्था से तात्पर्य क्या है? जब एरोमेटिक यौगिकों में केवल कार्बन परमाणु ही उपस्थित हो, अर्थात बंध श्रृंखला को बनाने में कार्बन के अतिरिक्त कोई भी अन्य तत्व भाग न ले, तो उन्हें चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हो सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देते हैं बेंजीन का। बेंजीन 6 कार्बन वाला एक यौगिक है जिसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है और प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो इस संरचना में आपने देखा कि इस बंद संरचना को बनाने में केवल कार्बन परमाणु ही प्रयोग किए गए हैं, तो ये असंतृप्त प्रकार का एक यौगिक है, इसलिए इसे हम असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। किसी संरचना में जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी समूह, किसी तत्व अथवा परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिए जाने पर यौगिकों में परिवर्तन हो जाते हैं। अब विषम चक्रीय किस प्रकार के होंगे? जब चक्रीय यौगिक के चक्र में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कोई और परमाणु भी उपस्थित हो जाए तो इसे विषम चक्रीय यौगिक कहा जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें कि 5 कार्बन की एक चक्रीय संरचना में नाइट्रोजन की उपस्थिति है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति होने पर आप यह कह सकते हैं कि इस संरचना में कार्बन के साथ नाइट्रोजन तत्व मौजूद है और जिसने इस पूरी संरचना को विषम चक्रीय किया है। N आ जाने पर यह संरचना पिरिडीन की कहलाती है, यह संरचना बेंजीन की कहलाती है। यदि नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हो तो
तो फ्यूरॉन बनेगा, लेकिन तब कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 की जगह 4 होगी। 4 कार्बन के साथ नाइट्रोजन आ जाए, यहाँ 5 के साथ है, लेकिन अगर 4 के साथ आया तो पाइरोल की संरचना बन जाए। तो इस संवृत्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक के इन दो पार्ट में समचक्रीय और विषम चक्रीय प्रारूपों के बाद एलीसाइक्लिक संवृत्त श्रृंखला वाले ऐसे यौगिक जिनके गुण एलीफैटिक जैसे हों वे संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आमतौर पर इन्हें चक्रीय यौगिक ही कहा जाता है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन। इस संरचना में प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की उपस्थिति। तो चूंकि यह 3 कार्बन वाला यौगिक है इसलिए इसे साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन। यदि हम इसी प्रकार की संरचना 4 कार्बन के साथ लें तो साइक्लोब्यूटेन बनेगा, 5 कार्बन से लें तो साइक्लोपेंटेन बनेगा, और 6 कार्बन से लें तो साइक्लोहेक्सेन। अब सवाल उठता है कि ये भी 6 कार्बन का यौगिक है तो फिर साइक्लोहेक्सेन कैसे बनती है? साइक्लोहेक्सेन जब निर्मित होती है तो सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, यानी ये C6H12 संरचना है और ये C6H6 संरचना है। दोनों में 6-6 कार्बन हैं, बस हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न, इसलिए यह बेंजीन है और यह कहलाएगी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों को वर्गीकृत किया गया श्रृंखला निर्मित करने के आधार। अब बारी आती है क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो पहले हम ये जान लें कि जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह कार्बनिक यौगिकों को कोई विशेष गुण प्रदान कर दे तो उस समूह को क्रियात्मक समूह कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बनिक यौगिक का प्रारूप क्या है, आखिर कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से निर्मित होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का तात्पर्य है कि किसी कार्बनिक भाग के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ जाए तो एक कार्बनिक यौगिक बनेगा। अब ये जो क्रियात्मक समूह हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक का कार्बनिक भाग हाइड्रोकार्बन मूलक है और इस हाइड्रोकार्बन मूलक को एल्किल समूह भी कहते हैं, किसी एल्किल समूह से किसी क्रियात्मक समूह का जुड़ना एक कार्बनिक यौगिक की संरचना देता है। अब R क्या है, R एल्किल समूह है, एल्किल समूह। X क्या है, क्रियात्मक समूह, और RX क्या है, कार्बनिक यौगिक। यानी आपने देखा कि जब कोई एल्किल समूह या मूलक किसी क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ता है तब कार्बनिक यौगिकों की संरचना होती है। सवाल आता है कि एल्किल समूह या मूलक क्या है। एल्किल समूह या मूलक सदैव किसी एल्केन अथवा किसी एल्कीन में से
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या शॉर्ट होने पर प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल CnH2n+2 एल्केन समूह का सूत्र है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। इसके आधार पर हम एक यौगिक बनाते हैं, तो n की जगह पर 1 लेते हैं, C1H2 × 1+2, C1H2+2, CH4। ये एक एल्केन यौगिक है जिसका नाम मेथेन है, ठीक। अब इसने इस फॉर्मूले को फॉलो किया, लेकिन जब एल्किल समूह या मूलक बनता है, चाहे वो एल्केन से व्युत्पन्न हो, एल्कीन से व्युत्पन्न हो या एल्काइन से, उसका सूत्र होता है CnH2n+1 और इसके साथ X। अब इसमें आप वही 1 नंबर अप्लाई करके देखो, C1H2 × 1+1 X, तो मिलेगा C1H2+1 X, यानी CH3X। अब ये X क्या है? X क्रियात्मक समूह, तो इसके स्थान पर अगर कोई क्रियात्मक समूह आकर जुड़ा तो एक कार्बनिक यौगिक बनेगा, और उस कार्बनिक यौगिक का ये एल्किल मूलक है और ये क्रियात्मक समूह। तो दो चीजें आपको पता चल गई, एल्किल मूलक CH3 कैसे फॉर्म हुआ, जो हमारा एल्केन है उसमें से -1H यानी एक हाइड्रोजन पृथक कराया, उसकी जगह पर कोई क्रियात्मक समूह आया, ठीक, और दोनों मिलकर कार्बनिक यौगिक बने। तो ये कार्बनिक यौगिकों का श्रृंखला और क्रियात्मक समूहों के आधार पर किया गया वर्गीकरण है।